आप टेग्नोटेक जीपीएस का कोई भी वीडियो देख रहे हो तो आपको नीचे सब्सक्राइब का बटन दिख जाएगा, इस पे सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके बगल में बेल आइकन है, इसको दबाना बिल्कुल मत भूलिए। हेलो दोस्तों, आज हम लगाने वाले हैं आपका इंजन ऑन वाला जीपीएस। ये आपकी ईको गाड़ी है और इसके लिए सबसे पहले हमें इसका नीचे का ये खोलना है। नीचे से ये खोलने के लिए हमें तीन नट खोलने हैं, एक दो और ये तीसरा नट। इसके बाद ये खुल जाएगा, हल्का सा नीचे खींच लेंगे, लॉक्स होते हैं खुल जाते हैं, टूटता कुछ नहीं है इसमें, थोड़ी सी ताकत लगती है खुल जाता है। उसके बाद हम मीटर लेंगे और इससे पहले हम इसको क्या करेंगे, हम इसको ये यहाँ पे लगा होता है, इसको एक नट होता है, इसके अंदर ये नट होता है आपका, इसमें इस तरह लगा होता है, ये पेचकस से इजीली खुल जाता है। फिर इसको बाहर निकाल लेंगे ताकि हमारा हाथ चल सके काम करने के लिए। उसके बाद हमें पता होता है इसमें, हमें तो खैर एक्सपीरियंस है तो हमें पता है, लेकिन मैं आपको फिर भी चेक करके दिखा देता हूँ कैसे चेक करते हैं इसको। मीटर को 20 पे कर लेंगे क्योंकि 12 वोल्ट होती है, सिंगल बैटरी होती है इसमें। अगर 24 वोल्ट होती है किसी में, कंसेप्ट सेम है, 24 वोल्ट होती है तो उसको हम 200 पे कर लेते हैं। ठीक है, अभी हम 20 पे रखेंगे इसको, ये ले लेंगे हम। और आपका इसका ब्लैक बॉडी अर्थ में दे देंगे हम, ये बॉडी अर्थ दे दिया हमने इसको। पहले हम इसमें डायरेक्ट चेक करेंगे, देखिए डायरेक्ट इसमें आ रही है सबसे मोटी तार है, और ब्लैक वाली पे कुछ नहीं आ रहा है, ब्लू पे भी कुछ नहीं आ रहा है, और इस पे भी आपका, इस पे भी कुछ नहीं आ रहा है, येलो पे भी कुछ नहीं है, मतलब एक में डायरेक्ट करंट आ रही है आपकी इसमें। अब हम चेक करेंगे हमारी वायर कटेगी कौन सी, हमारी वो वायर कटेगी जिसमें डायरेक्ट से होकर करंट जाता है और डैशबोर्ड की लाइट जलती है। तो उसको चेक करने के लिए क्या करेंगे हम, हमारी डायरेक्ट इसमें आ रही है, हमें कन्फर्म हो गया, इसको हम वापस जोड़ देंगे, डैशबोर्ड की लाइट जल जाए हमारी। तो हम रिले को ही यूज कर लेते हैं चेक करने के लिए, देख लीजिए ये आपकी डायरेक्ट थी इसमें, और इसमें आपकी ये देख लीजिए ऊपर डैशबोर्ड की लाइट जल गई है, इसमें देख लीजिए डैशबोर्ड की लाइट जल गई है। अब ये वायर कटेगी मतलब हमारी, नीचे दिखा इसको, ये देख लीजिए, ये हमने एक सिरा डायरेक्ट पे लगाया और एक हमने इस पे लगाया, और ये डैशबोर्ड की लाइट जल गई है, तो मतलब ये वायर हमारी कटेगी जो हमने ऑलरेडी काटी हुई है। अब हम इसके कनेक्शन करने के लिए क्या करेंगे, ये वायर हम ऑलरेडी काट चुके हैं तो हम थोड़ा सा इसको और छील लेंगे। अब एक तरफ हम इसका ग्रीन लगा देंगे, ये आपकी कट चुकी है, इसमें डायरेक्ट आ रहा है, व्हाइट वाली मोटी सी है जिसपे ग्रीन स्ट्रिप है। बाकी मैं आपको ये कनेक्शन करके दिखा देता हूँ कैसे होते हैं। ये हमारे जीपीएस की वायरिंग है और हर जीपीएस की वायरिंग इसी तरीके से होती है, कलर कॉम्बिनेशन थोड़ा सा अलग होता है, बाकी कुछ नहीं होता है। ठीक है, हम इसको हल्का सा छोटा कर लेंगे, उसको फोल्ड करके वो लगा देते टेप उसमें, नहीं ज्यादा मोटा हो जाता है। अब इसमें देख लीजिए जीपीएस के चार वायर होते हैं, रेड ब्लैक और येलो, ये सब में एक जैसे होते हैं, जितने भी जीपीएस आपके आते हैं मोस्टली सेम होते हैं 99%। सिर्फ ऑरेंज की जगह किसी में ग्रीन होता है, किसी में व्हाइट होता है, और ऑरेंज तीन तरह के होते हैं, इसको एसीसी का वायर बोलते हैं। ये डायरेक्ट है रेड वाला, ये बॉडी अर्थ है, और ये आपकी सेंसर वायर है जो रिले पे जाती है। अगर रिले नहीं लगाते हैं हम इसमें, इंजन ऑन ऑफ नहीं लेते हैं, तो येलो को हम काट देते हैं, इसका कोई यूज नहीं होता, ये यूजलेस हो जाती है। तो अब हम इसको छील लेंगे, रिले की व्हाइट और जीपीएस की रेड को हम एक साथ कनेक्ट कर देंगे, ये डायरेक्ट पर लगेंगी हमारी दोनों। जीपीएस की ऑरेंज आपकी रिले की ग्रीन के साथ जाएगी, ये ऑरेंज हमारी इसके साथ लग जाएगी, एसीसी है, वैसे तो हम जो वायर काटी है उसी को स्प्लाइस करके लगा देते हैं इस पे, अगर इंजन ऑन ऑफ का फीचर ना देना हो तो, लेकिन अभी इंजन ऑन ऑफ का फीचर देना है तो हम इसको इसी पे अटैच कर देंगे। ये आपका हो चुका है, येलो में येलो लग जाएगी आपकी, और इसका अब ये कहीं भी नहीं लगेगी, अब बस ये लग चुकी है, अब इसको यहीं पे टेप कर देंगे। अभी हो चुका है आपका, अभी हम इसको डायरेक्ट में लगा देंगे। ये हमारे जीपीएस के चार तार थे, ब्लैक वाला जो है बॉडी अर्थ था तो वो हमने यहाँ पे लगा दिया है, इसको भी हम जो है आपका टेप कर देंगे, ये हमने टेप कर दिया है। अब इसका देख लीजिए, ये रिले लग चुकी है, एक ग्रीन इस साइड लग गया है, हमने इसको टेप कर दिया है, एक ग्रीन जो वायर कटी थी उसके दूसरी साइड लग चुका है, ये दोनों रिले के जो ग्रीन है दोनों साइड लग चुके हैं आपके, व्हाइट रिले का व्हाइट और जीपीएस का रेड दोनों एक साथ, ये डायरेक्ट इसमें करंट आ रहा था मोटी सी वायर में, देख लीजिए
इसमें हमने दे दिया है, इसको टेप भी कर दिया है। येल्लो जीपीएस की येल्लो के साथ में चली गई है और टेप हो चुकी है, इसको कहीं नहीं लगाना अब हमें। और आपका ये जो जीपीएस की ऑरेंज थी, एसीसी वायर बोलते हैं, ये सेंसर वायर है, इससे पता चलता है गाड़ी आपकी कब बंद हुई है कब चालू हुई है। ये हमने ग्रीन के साथ लगा दिया, ठीक है। इस साइड भी लगा सकते हैं, इस साइड भी लगा सकते हैं, किसी साइड लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब हम इसको लगा देंगे वापस और हम इसको चेक कर लेंगे। इसको हम लगा चुके हैं, अब हम गाड़ी जो है आपका चालू कर लेंगे। हमने चालू कर दिया गाड़ी। अब इसको एक फिजिकल तरीका है चेक करने का, इसकी जो जीपीएस की जो आपकी ब्लैक वायर है और जो सेंसर वायर रिले की, दोनों को टच करने से गाड़ी बंद होनी चाहिए। अगर बंद हो रही है तो मतलब हमारे कनेक्शन ठीक है, नहीं तो गड़बड़ है कुछ ना कुछ। ये देख लीजिए बंद होगी गाड़ी, लाइट चली गई है, और इसको हटाते ही लाइट आ गई डैशबोर्ड में। इसको हटाते ही, लगाते ही, टच करते ही जा रही है, मतलब हमारे कनेक्शन बिल्कुल ठीक है। अब अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो मतलब हमारे जीपीएस में प्रॉब्लम है, हमारे कनेक्शन में या रिले में कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक बढ़िया काम कर रहा है। हम इसको निकाल लेंगे। अब हम इसको, सब कुछ चेक हो चुका है हमारा, एक नट हम इसका लगा देंगे जो हमने एक खोला था। हम इसको पहले इसको टेप कर देते हैं, चूंकि ये जीपीएस चालू है आपका। और अब हम इसको पैक कर देंगे जहां हमें अच्छी जगह मिलेगी। और अगर आपको, और ये, और दोस्तों इसका ये नीचे का ढक्कन है, ये लग जाएगा आपका, तीन नट है इसके, वो कस जाएंगे। और इसको हम अच्छी जगह पे भी देख के कहीं लगा देते हैं। अब हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। आपको जीपीएस रिलेटेड किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है, आप हमारे से कॉल करके, हमारे चैनल पे जाकर देख के उसको ठीक कर सकते हैं। और आप किसी भी तरह का जीपीएस हो, आप हमारे चैनल पे चला, हमारे सर्वर पर चला सकते हैं उसको।